विध्यांचल क्षेत्र में बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबंध संस्था टीच टू ईच वर्तमान में निःशुल्क कोचिंग सेंटर संचालित कर रही है, जिसमें करीब 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आयोजित होने वाली मैराथन विंध्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश पटेल ने जानकारी दी है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से कोविड-19 के चलते छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो मैराथन होती थी वह नहीं हो पाई थी। इस वर्ष फिर से उसका आयोजन 22 जनवरी को सुबह 6 बजे से आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में रीवा और रीवा से बाहर की छात्राएं भी पार्टिसिपेट करेंगी। यह दौड़ रीवा यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक होगी। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य है कि छात्राओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट तक सफर तय करना है। आइए आपको सुनाते हैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पटेल को आयोजित पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। शुरू कर लें। बताएं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं डॉक्टर राकेश पटेल श्याम साह मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 साल से जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्रमोशन के लिए मैराथन हुआ करती थी, 2 सालों से वो नहीं हो सकी थी कोविड की वजह से, तो इस साल हम लोग फिर से उसका आयोजन कर रहे हैं और 22 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे से बालिका मैराथन का आयोजन टीच टू ईच संस्था के द्वारा किया जाना है, जिसमें रीवा जिले के अलावा रीवा संभाग से और बाहर से भी बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और करीब 500 रजिस्ट्रेशन हमने कराए हैं अभी तक और सभी बच्चियों को रीवा यूनिवर्सिटी से लेकर के यूनिवर्सिटी के गेट से कलेक्ट्रेट तक की ये मैराथन है। इसमें एक सिंपल सा मैसेज जो हमें देना है, हम बस बेटियों को ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल करके कलेक्ट्रेट तक में कलेक्टर से लेकर के और कुछ भी बन सकती हैं। एक जनरल मैसेज की बात है ये। वैसे इस मैराथन का मूल उद्देश्य ही बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के एक अवेयरनेस या एक तरह की चेतना जागृत करना है, क्योंकि रीवा क्षेत्र में या विंध्य क्षेत्र में हम देखते हैं तो आज भी गाँव में बच्चियों की शिक्षा को लेकर अभिभावक भी बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है और गांव में आज भी अगर आप देख लें 30 साल से ऊपर की अगर कोई जितनी महिलाएं हैं या 25 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा का स्तर आप देखेंगे तो वो ही 8वीं 9वीं 10वीं, मैक्सिमम बहुत ही कम घरों में अब बहुत ही कम गाँव में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएँ मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। और एक बात मैंने जो महसूस की है कि बिना शिक्षा के बढ़ावा दिए या बिना नारी को शिक्षित किए हम किसी भी कीमत पर समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो नारी शिक्षा या महिला शिक्षा के ऊपर ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसकी हरी झंडी सुबह कुलपति जी रहें, शायद उनका एक प्रोग्राम है तो हो सकता है वो ना रहें, तो प्रोफेसर एन पी पाठक और प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी के हाथों इसका उद्घाटन होगा और इसके समापन में कलेक्टर मनोज पुष्प जी, एडिशनल कलेक्टर सलेन सिंह जी, एडीजीपी राव सर और डॉक्टर ज्योति सिंह मैम, डॉक्टर सलवाला श्रीवास्तव मैम लोग रहेंगी। और मेरी इस प्रतियोगिता में जो पहली पुरस्कार है वो 10,000 रुपये है, जो फर्स्ट रैंक पे आएंगी 10,000 रुपये है, दूसरे पुरस्कार 5,000 रुपये है, तीसरा पुरस्कार 3,000 रुपये है और चौथी से लेकर 10वीं रैंक तक जो बच्ची आएंगी उनको 1,000 रुपये और 11वीं से 20वीं तक जो रैंक में आएंगी उनको 500 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अलावा सभी बच्चियों के लिए टी शर्ट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, सभी को नाश्ता उस दिन हम देंगे, सभी को लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा टीच टू ईच की तरफ से और एक पैड दिया जाएगा एजुकेशनल पैड बच्चियों को। तो पूरी तरह से ये बालिकाओं की शिक्षा को प्रमोशन के लिए एक हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, कई सालों से चला रहे थे, इस साल भी उसको हम एक विधिवत तरीके से चलाएंगे और इसमें जितनी बच्चियां पार्टिसिपेट करेंगी उनका फिजिकल फिटनेस पहले भरवाया गया है और ये कोशिश की गई है किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना, उसके साथ हालांकि एम्बुलेंस और गाड़ियां रहेंगी, जो राजस्व विभाग है उनसे परमिशन ले ली गई है और जो थाने हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है ताकि किसी तरह की और कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक कोई दिक्कत ना आए। किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं? इसमें ग्रुप में 15 साल से लेकर के 40 साल तक की महिलाएँ भाग ले सकेंगी। हाँ, उसके अलावा उसमें कोई बाध्यता नहीं है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। कितने